पहलवान सुशील कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के एक और साथी रोहित को गिरफ्तार किया है। रोहित सुशील के बेहद खास लोगों में से एक है। सागर धनखड़ की पिटाई वाले दिन वो छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस केस में दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुशील कुमार ने पूछताछ में सागर की हत्या के आरोप से इनकार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील का कहना है कि उसने सिर्फ सोनू महाल को मारा था क्योंकि उसने सुशील को गाली दी थी। हालांकि पुलिस को सुशील के बयान पर यकीन नहीं है क्योंकि पुलिस के पास घटना वाली रात का वीडियो भी है जिसमें सुशील के हाथ में डंडा है और वो पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें, एक गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर और दूसरी उस रात की तस्वीर जब सागर धनखड़ की हत्या सुशील और उसके साथियों ने मिलकर की थी। वरुण जैन हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये मामला जो है और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि सुशील कुमार मुंह नहीं खोल रहा है। देखिए, बिल्कुल सुशील कुमार बेहद प्रोफेशनल तरीके से पुलिस के साथ डील कर रहा है। वो अच्छे से जानता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कैसे भड़काना है। यही वजह है कि सुशील की गिरफ्तारी में भी पुलिस को पसीने छूट गए थे। चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। सुशील पुलिस के पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही जहाँ पर वो छुपा होता था वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता था। अब पुलिस ने पूछताछ के दौरान सुशील से पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिकों की भी मदद ली है क्योंकि वो पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने जब ये वीडियो सुशील के सामने रखा तब उसने एक नई कहानी बनाई। उसका कहना था कि स्टेडियम के अंदर पहलवानों के दो गुटों का झगड़ा हो गया था। 8:30 बजे एक गुट वहाँ से चला गया था जबकि जो दूसरा गुट है उसको समझाने के लिए सुशील वहाँ पर गया था, यानी कि सुशील इस वारदात में शामिल नहीं था। जो सोनू महाल है उसकी पिटाई की बात वो कबूल कर रहे हैं लेकिन उसका ये कहना था कि उसके साथ उसने बदतमीजी करी थी, गलत तरीके से बात की थी इसलिए उसकी पिटाई की थी, लेकिन सागर धनखड़ को उसने हाथ भी नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं सुशील ये बात अच्छे से जानता था कि वो इस वीडियो को नकार नहीं सकता क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है क्योंकि मौका वारदात पे खुद सुशील के दोस्त ने इसे बनाया था, लेकिन उसने उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है, किस तरीके से पुलिस को भटकाना है उसने पहले से तय किया हुआ था और पुलिस के सामने कुछ इस तरीके के बयान रखे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जैन इस ज़्यादा जानकारी के साथ, इस अपडेट के साथ के लिए। और जो भी अपडेट होगा इस खबर पर वो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे। सुशील कुमार, वो नाम जो चंद दिनों पहले तक फख्र के साथ लिया जाता था, नौजवानों के लिए नाम किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन अब यही नाम सबसे बड़ा विलेन बन गया है। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक वीडियो सामने आने के बाद कम से कम अब ऐसा ही लग रहा है। सामने आया सागर हत्याकांड का खौफनाक वीडियो। लाठियों से पीट पीट कर ली सागर धनखड़ की जान। चार पांच मई की दरमियानी रात को सागर धनखड़ के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई थी, 54 सेकंड के इस वीडियो ने अब इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे ही कई राज से पर्दा उठा दिया है। और पर्दा उठते ही इस हत्याकांड का जो सबसे बड़ा विलन सामने आया वो है ये शख्स। इस धुंधली तस्वीरों में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हाथों में लाठी लिए ये कौन है जो सागर धनखड़ की पिटाई कर रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार है। देखिए कैसे जमीन पर सागर धनखड़ अधमरा पड़ा है। सुशील के साथियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सागर हाथ जोड़े रहम की गुहार लगा रहा है लेकिन सुशील को उस पर दया नहीं आ रही और वो उस पर लाठी से एक के बाद एक हमले कर रहा है। पहले यह खबर आई कि सागर की हत्या महज किराए के चंद पैसों के लिए की गई थी लेकिन ये थ्योरी दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतरी। पुलिस को शक है कि हत्याकांड की वजह कुछ और ही है और वो राज क्या है ये उगलवाने के लिए क्राइम ब्रांच 3 दिनों से सुशील से पूछताछ कर रही है लेकिन सुशील ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील अपने शरीर की तरह मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत है। वो जांच को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है और रटे रटाए जवाब दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात की वो वीडियो भी सुशील को दिखाई, बावजूद उसके उसने हत्या में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि पुलिस अब जांच में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है।
दिल्ली पुलिस सुशील की खतरनाक खोपड़ी में उतरना चाहती है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट को देखकर सुशील पूछताछ के दौरान घबरा गया था और उसकी ऐसी घबराहट में कई सवालों के जवाब छुपे हैं। पुलिस जानना चाहती है कि हत्या का असली मकसद क्या है, क्या हत्या किसी और के इशारे पर हुई, क्या कोई गैंगस्टर हत्या के पीछे है। सच्चाई कैसे पता करे वो क्वेश्चनर एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बनाता है ताकि किस आधार पर उससे सच्ची बातें पता लग जाए, और इस केस में सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हुई सोची समझी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील के चार साथियों को भी 26 मई को गिरफ्तार किया था। बदमाशों में भूपेंद्र उर्फ भूपी, मोहित उर्फ भोली, गुलाब उर्फ पहलवान और मंजीत उर्फ चुन्नीलाल शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच काला असौंदा नीरज भवाना गैंग के इन चारों बदमाशों को सुशील कुमार के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि सुशील की जुबान से सच उगलवाया जा सके। पुलिस राज उगलवाने के लिए हर वो हटकंदा अपना रही है जो सुशील कुमार पर लागू हो और अपना मुंह खोल दे। जो सुशील कुमार 4 मई की खूनी रात का सूत्रधार है, जिसके ऊपर एक उभरते हुए रेसलर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है, उस सुशील कुमार के दिमाग में साजिश की कितनी कहानियां कैद हैं। आखिर धनखड़ की हत्या के लिए सुशील कुमार ने साजिश का प्लॉट कब तैयार किया और फिर कैसे हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ये सब जानने के लिए अब ले रही है मनोवैज्ञानिकों का सहारा। चार मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ था, वो लोग कौन थे जो सागर धनखड़ को अगवा करके वहां लेकर आए थे, और फिर कैसे की गई थी उसकी हत्या। मर्डर की इस पूरी वारदात में ओलंपियन सुशील कुमार का क्या रोल था और किन लोगों ने इस खूनी वारदात में साए की तरह साथ दिया था सुशील कुमार का, रहस्य की इस पूरी कहानी के खुलासे के लिए पुलिस सुशील कुमार से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पूरा सच सामने नहीं आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो सुशील कुमार जांच में जरा भी सहयोग नहीं दे रहा है। ये उस स्थिति में किया जाता है जब ऐसा लगता है कि मुलजिम इंटरोगेशन के दौरान जब पूछताछ होती है तो उस दौरान कई बातें छुपा लेता है, और उसकी मनोस्थिति क्या है ये जानने के लिए और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए, यानी कि उसका सच्चाई कैसे पता करे वो क्वेश्चनर एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बनाता है ताकि किस आधार पर उससे सच्ची बातें पता लग जाएँ, और इस केस में सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी सुशील कुमार या उसके साथी अभी पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लगता है कि पुलिस ने मनोवैज्ञानिक की मदद लेने का फैसला शायद किया है। तो ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक टूल है, मैं समझता हूँ इससे इस केस में सच्चाई जानने के लिए मदद मिलेगी, और ऐसा कई बार किया जाता है दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या CBI की इन्वेस्टिगेशन या कोई भी एस डिटेक्टिव एस इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं साइकोलॉजिस्ट की मदद अक्सर ऐसे केसों में लेते हैं जहां पर उनको इसकी जरूरत पड़ती है। गुनाह की दुनिया के शातिर खिलाड़ी की तरह ही वो पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार अपना बयान बदल रहा है, और इसीलिए सच तक पहुंचने के लिए पुलिस अब ले रही है मनोवैज्ञानिकों का सहारा। पुलिस के मुताबिक कुश्ती के मैदान में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाला सुशील कुमार इंटेरोगेशन में भी अपने शातिर दिमाग का खेल दिखा रहा है। पुलिस को बरगलाने के लिए वो अब तक कई कहानियां सुना चुका है, और इसलिए सच की पड़ताल के लिए पुलिस अब मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर सुशील कुमार से सवाल जवाब कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 3 दिनों से लगातार हत्या के आरोपी सुशील कुमार से कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना और काला जठेड़ी के बारे में पूछताछ कर रही। पुलिस दोनों गैंगस्टर्स के साथ उसके रिश्तों की पड़ताल कर रही है। पुलिस सुशील से सागर धनखड़ की हत्या के पीछे की असली वजह जानना चाहती है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि महज किराए के कुछ पैसों को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हत्या की सनसनीखेज वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वो गुनाह की दुनिया का कोई शातिर खिलाड़ी ही कर सकता है।
दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद ओलंपियन सुशील कुमार के नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर से करीबी संबंधों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि हत्या की इस वारदात के पीछे कोई और कहानी हो सकती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील अपने शरीर की तरह मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत है। वो जांच को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है और रटे रटाए जवाब दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौके वारदात की वो वीडियो भी सुशील को दिखाई, बावजूद उसके उसने हत्या में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि पुलिस अब जांच में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या का पूरा सच क्या है, इसकी तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ जब मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट पूछताछ में शामिल हुए तो सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार काफी घबरा गया। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने सच की पड़ताल के लिए सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की थी और इसका मकसद था सुशील कुमार के हाव भाव से हकीकत का पता लगाना। लेकिन सुशील कुमार यहाँ भी अपने शातिर दिमाग का खेल दिखा रहा था। सूत्रों के मुताबिक सागर हत्याकांड की तह तक जाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए काला असौंदा नीरज बवाना गैंग के चारों बदमाश भूपेंद्र, गुलाब, मंजीत और मोहित को सुशील कुमार के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि सुशील कुमार झूठ ना बोल सके। दिल्ली पुलिस ने मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर सुशील कुमार का के साथ जो पूछताछ की है उसके बाद वो किस नतीजे पर पहुंची इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खबर है कि इस पूछताछ में भी सुशील कुमार पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश करता रहा। तो क्या सुशील कुमार के दिमाग में सागर धनखड़ की हत्या समेत जो राज छिपे हैं उसका खुलासा नहीं हो पाएगा? जानकारों की माने तो सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभी मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर ही सुशील कुमार से पूछताछ की है और इसके बाद भी अगर सच सामने नहीं आया तो पुलिस अगर चाहे तो वो दूसरे साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकती है और इन तरीकों में से ही एक है ब्रेन मैपिंग। आपको बता दें कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसी जांच प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी के मस्तिष्क की हलचलों को छवि के जरिए उसके दोषी होने का पता लगाया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेक्निक का इजाद अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए. फारवेल ने किया था और अब सुनिए ये कैसे किया जाता है। ये ब्रेन मैपिंग की जब बात करते हैं तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक को नार्को एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। जो नार्को एनालिसिस में एक डॉक्टर जो है वो जो जो भी व्यक्ति है जिस पे आप कर रहे हैं उसको इंजेक्शन देता है जिसमें पेशेंट को बेहोशी की कंडीशन में ले जाया जाता है, जिसमें वो बातचीत करके कुछ ऐसी चीज़ें बात वो पेशेंट, क्योंकि वो इस अवस्था में होता है कि उसकी जो कॉन्शियस लेवल पर जो सेंसर है वो हट जाता है तो वो काफ़ी बातें ऐसी बोल सकता है उस दौरान जिसको वो वैसे जब वो पूरी तरह से अवेक हो तो वो उसको अवॉइड करे। तो इसको यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। अगर आप किसी क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वो सच बता रहा है नहीं। दूसरी चीज़ ब्रेन मैपिंग के अंडर आती है जिसको हम पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। उसमें कुछ इस तरह का यंत्र होते हैं, इस तरह के कनेक्शन किए जाते हैं बॉडी के साथ जिसमें आप जब बातचीत करके प्रश्न आप पूछते हैं तो जो उत्तर आते हैं उसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपकी पल्स, आपकी स्किन कंडक्टिविटी, इस तरह की चीजें और बीपी में फ्लक्चुएशन, इस तरह की चीजें देखी जाती है, नोट की जाती है। जानकारों की माने तो ब्रेन मैपिंग टेक्निक सच की पड़ताल में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इससे आरोपी से सच उगलवाया जा सकता है ये कहना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो इसमें वेरिएशन होगी। ये दोनों चीजें यूज़ की जाती हैं, बट इसमें अगर आप मेरे से पूछें कि 100% इसमें सच उगाला जा सकता है तो मेरा उत्तर होगा नहीं। ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें कुछ हद तक आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि अदरवाइज वो क्रिमिनल ना बताना चाहे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अदालत में ब्रेन मैपिंग या ऐसे ही किसी दूसरे साइंटिफिक टेस्ट के रिजल्ट को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि इसे पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता है। व्यक्ति है जो जो, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के, वो कुछ चीजें ऐसी बोल सकता है जो कि वो अदरवाइज नहीं बताना चाहता है, तो देयर आर चांसेस कि कुछ बताया जा सके। क्या इसकी कोर्ट में मान्यता है? नहीं, ये लीगली परमिसिबल नहीं है, इसकी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। अगर आप कहें कि कितनी कारगर है, तो क्लिनिकली हम लोग जब अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं नार्को एनालिसिस, तो उसमें हमारे को क्लिनिकली उनकी इलनेस के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है, हमें हेल्प मिलती है और बहुत अच्छी तरह से इसको एक थेरेपेटिक यूज़ किया जा सकता है। बट फोरेंसिक साइकेट्री में जहाँ तक आप कहते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर जब आप पेशेंट को जो भी आप जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है व्यक्ति, उससे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछवाना चाहते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो 100% सही हो। एक दूसरा ये है कि इसमें कैमोफ्लाज किया जा सकता है, इसको व्यक्ति जो है वो कुछ चीज़ें जो चाहे तो वो छुपा सकता है, कोई ऐसा ही परफेक्ट टेस्ट नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।